दोस्तों हम तो शाहरुख खान को मजाक में ले रहे थे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन इन्होंने ये मजाक को सच में बदल दिया। 4 साल का वेट के बाद एक ऐसा कमबैक जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया। पठान ऑफिशियली सेकंड बॉलीवुड मूवी बन चुकी है जिसने 1000 करोड़ मार्क को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्रॉस कर लिया है, क्योंकि आमिर खान के दंगल मूवी का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड है 2100 करोड़, जिसमें चाइना से ही 1300 करोड़ का कलेक्शन आया है। अब इसमें चाइना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक पठान मूवी चाइना में तो रिलीज हुई नहीं। तो जरा सोचो, जब पठान मूवी चाइना में रिलीज हो जाएगा तो ये नंबर दंगल का आउट क्रॉस हो जाएगा। अब हाल ही में कुछ ही टाइम पहले पठान ने केजीएफ के हिंदी कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, प्लस आरआरआर जैसी हिट मूवी को भी हिंदी में पठान ने पीछे छोड़ दिया। और फिलहाल अब टक्कर चल रही है बाहुबली हिंदी की, जो कि आने वाले दिनों में पठान इजिली आउट क्रॉस कर लेगा, क्योंकि बाहुबली का हिंदी कलेक्शन है 511 करोड़, और फिलहाल पठान ने ऑलरेडी हिंदी में 500 करोड़ क्रॉस कर लिया है। लेकिन दोस्तों इतना खुश मत होइए, ये तो सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड इन सारे मूवीज के रिकॉर्ड्स को पठान को पीछे छोड़ने के लिए कुछ वक्त तो लग जाएगा। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन मूवीज की उठाकर देख ले तो केजीएफ 2 1200 करोड़, आरआरआर 1100 करोड़, और बाहुबली 1800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है। तो कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा है बॉस। आपको क्या लगता है कितना दिन लग जाएगा पठान को इन सारे नंबर्स को आउट क्रॉस करने में, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इन सारे मूवीज में आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है कमेंट में वो भी बताइए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए।